हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक नियम, मतलब इकोनॉमिक्स लॉ। इकोनॉमिक्स लॉ होता क्या है? देखिए, नियम वो होते हैं जो हमें बताए कि हम किस प्रकार से कार्य लें। और इकोनॉमिक्स आर्थिक नियम मतलब मनी से रिलेटेड हम कौन कौन से नियम बना सकते हैं या उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, वह नियम कहलाते हैं। देखिए, आर्थिक नियमों का अर्थ एवं परिभाषा है कि अर्थशास्त्र के नियम आर्थिक घटनाओं अथवा आर्थिक परिस्थितियों के कारण एवं परिणाम के परिणाम स्वरूप एवं सापेक्षिक संबंध का उल्लेख करने वाले सामान्य कथन होते हैं। अर्थात आर्थिक घटनाएं, अर्थात ऐसी घटनाएं जो व्यापार में घटित हो रही हैं और ऐसी आर्थिक परिस्थितियां जो मुद्रा के कारण उत्पन्न हो रही हैं, उनके कारण एवं परिणाम के पारस्परिक एवं सापेक्षिक संबंध, उनके कारण जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उनको उल्लेख करने वाले सामान्य कथन होते हैं। आई बस समझ में? कोई डाउट? अब नियमों का वर्गीकरण। देखिए, आर्थिक नियम में नियमों का वर्गीकरण, मार्शल के अनुसार नियम शब्द का आशय, नियम शब्द का आशय उन सामान्य कथनों अथवा प्रवृत्तियों के कथन से है जो प्राय सत्य तथा निश्चित होते हैं। देखिए, आर्थिक नियम, हम रुपए की, पैसों की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि जो भी बात हम कहेंगे वो 100% सत्य और निश्चित होती है। अर्थात जो भी कथन बताए जाते हैं आर्थिक नियमों में, नियम होते ही क्या है? सत्य होते हैं। अर्थात उनमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से नियमों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। सरकारी या वैधानिक नियम, गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं इसके अंतर्गत वह नियम आएंगे जो कानून द्वारा बनाए जाते हैं। अर्थात उन नियमों में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता। अर्थात गवर्नमेंट ने जो रूल एप्लीकेबल कर दिया है वो रूल हमें अपनाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी टैक्स इनके रेशोज चेंज कर दिए, अर्थात इनका परसेंटेज चेंज कर दिए। आप लोगों के चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो तो भी आप उन्हें बदल नहीं सकते। अर्थात सरकार द्वारा जो भी नियम बना दिए गए हैं वो 100% सत्य होते हैं। आई बस समझ में? सेकंड आता है सामाजिक एवं संस्थागत नियम। देखिए, सामाजिक, इनका संबंध सामाजिक रीति रिवाजों व बदनों से होता है जो समाज के विधिवत संचालन के लिए बनाए जाते हैं। अर्थात देखिए, आप जिस जगह पर अर्थात जिस समाज में रहते हैं उनका उल्लेख अलग अलग होता है। अर्थात परिस्थिति के अनुसार वह समाज में बदलते रहते हैं। अर्थात समाज को ध्यान में रखते हुए जो हम नियम बनाते हैं वो सामाजिक नियम, और संस्थागत वह नियम जिस संस्था में हम कार्यरत हैं। अर्थात जिस संस्था में हम कार्य कर रहे हैं वहाँ की परिस्थिति के अनुसार जो हम नियम बनाएंगे वो क्या कहलाते हैं? संस्थागत नियम। आई बात समझ में? थर्ड है नैतिक नियम। यह नियम मनुष्य के सदाचार एवं शुद्ध आचरण व उच्च नैतिकता की दृष्टि बताए जाते हैं, जैसे सत्य बोलना, दया करना, बड़ों का सरकार आदि। देखिए, नैतिक का मतलब है मॉरल होना। अर्थात अगर कोई भी नियम बनाए जाते हैं तो कैसे होने चाहिए? सत्य होने चाहिए, जोर ज़बरदस्ती के द्वारा नहीं बनाए चाहिए। और बड़ों का सत्कार, अर्थात जिसमें मॉरल ड्यूटीज़ को अपनाया जाए, वो नियम कौन से कहलाते हैं? नैतिक नियम। आई बात समझ में? फोर्थ है प्राकृतिक एवं वैधानिक नियम। ऐसे नियम जो प्राकृतिक अर्थात नेचुरल रूप से बनाए जाते, यह नियम उक्त उन सभी नियमों से भिन्न है जो वैज्ञानिक नियम दो परिस्थितियों या घटनाओं और परिणाम के पारस्परिक संबंध की व्याख्या करते हैं। इन नियमों का निर्माण प्रशिक्षण व अवलोकन से होता है। अर्थात वो नियम जो प्रशिक्षण व अवलोकन अर्थात रिसर्च करके बनाए जाते हैं वो नियम इसके अंतर्गत आते हैं। यदि किसी वस्तु का, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आप सबने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण का नियम। वो क्या कहता है? यदि किसी वस्तु को ऊपर उछाला जाए तो वो नीचे गिरेगी। इससे उछलना कारण और गिरना परिणाम है। जबकि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि सत्य तथा प्रवृत्तियों के संबंध में कथन मात्र है जो प्राय निश्चित होते। अर्थात वह नियम जो प्रकृति के द्वारा या वैज्ञानिक नियमों के द्वारा बनाए जाते हैं वह नियम किसके अंतर्गत आता है? प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक नियमों के अंतर्गत आते हैं। आई बस समझ में? आगे देखेंगे अर्थशास्त्र के नियमों की प्रकृति या विशेषता। क्या क्या विशेषता होती है? पहली विशेषता होती है आर्थिक नियम
काल्पनिक तथा मान्यता प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं? आर्थिक नियम काल्पनिक होते हैं और मान्यता। इकोनॉमिक लॉज आर एसेंशियली हाइपोथेटिकल। देखिए, परिवर्तनशील मानवीय प्रवृत्तियों से संबंधित होने के कारण आर्थिक नियम अनिश्चित होते हैं, अर्थात ह्यूमन बींग का नेचर आप सबको पता है, परिस्थिति के अनुसार हमेशा बदलता है, वो एक जैसा नहीं रहता। वैसे ही वो क्या कह रहा है, आर्थिक नियम भी कैसे रहते हैं, अनिश्चित, और इनकी सत्यता सदैव और स्वतंत्र प्रमाणित नहीं हो पाती, अर्थात हम इन्हें सदैव सत्य माने नहीं, ये परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे इसमें बात कही, मानव स्वभाव बड़ा ही चंचल है, अतः वैज्ञानिक नियमों की भांति प्रशिक्षण व अवलोकन के आधार पर ही सही निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। इसके प्रत्येक आर्थिक नियम के साथ सदा यदि अन्य बातें समान रहे या यथावत रहे, ऐसी बातें लिखी होती। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आर्थिक नियम होते हैं उनके आगे लिया होता है अन्य बातें, अर्थात ऐसी बातें जो समाज के अंतर्गत हम स्थिर रखते हुए उसको, जबकि वैज्ञानिक नियम जो साइंटिफिक नियम होते हैं वो हर परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसमें समान रहते हैं। लेकिन आर्थिक नियम कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा बदल दिए जाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य की प्रकृति कैसी होती है, चंचल, और वह अपनी परिस्थिति के अनुसार बात करके उस बात को बदल देता है। आई बस समझ में? तो आर्थिक नियम कैसे होते हैं, काल्पनिक तथा मान्यता प्रदान होते हैं। आई बस में सेकंड है, अर्थशास्त्र के नियम सापेक्षिक होते हैं। सापेक्षिक का मतलब क्या होता है, देखिए, इकोनॉमिक्स लॉज आर रिलेटिव। अर्थशास्त्र के नियमों की दूसरी विशेषता यह है कि वे सापेक्षिक होते हैं, निरपेक्षिक नहीं। अर्थशास्त्र के नियम सदैव सर्वत्र और सदैव सत्य नहीं उतरते, उनकी सत्यता देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करती। यही बोल रहा है कि वो कैसे होते हैं, सापेक्षिक होते हैं, निरपेक्ष नहीं, क्योंकि वह क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार, जैसा देश जैसा समय जैसी परिस्थिति उसके अनुसार वह बदलते रहते हैं। इस दृष्टि में आर्थिक नियमों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सार्वभौमिक नियम और सापेक्षिक नियम। देखो, सार्वभौमिक नियम मतलब यूनिवर्सल लॉ, वह नियम जो सभी जगह सभी व्यक्तियों पर सत्य उतरते। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मांग नियम, पूर्ति का नियम आप सबने पढ़ रखे हैं, उपभोग का नियम, ग्रेगर का नियम आदि। आई बस समझ में? गुड आउट। सेकंड है सापेक्षिक नियम। सापेक्षिक नियम कौन से होते हैं, सापेक्षिक नियम वह नियम होते हैं जो स्थान समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होते रहते हैं। जैसे माथलेस का नियम विकसित राष्ट्रों में लागू नहीं होता, जबकि पिछड़े देशों में अब भी क्रियाशील है। तो ऐसे नियम जो स्थान और परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहते हैं वह कैसे कहलाते हैं, वह नियम। आई बस समझे? थर्ड, अर्थशास्त्र के नियमों में प्राकृतिक नियमों के समान परिणात्मक शुद्धता नहीं रहती। क्या कह रहा है, इकोनॉमिक्स लॉज आर लेस एक्सटेन, मतलब अर्थशास्त्र के जो नियम होते हैं प्राकृतिक नियमों के समान परिणात्मक शुद्ध नहीं होते। क्या कह रहा है, आर्थिक नियमों की यह विशेषता है कि वह प्राकृतिक नियमों के समान पूर्ण नहीं होते। आपको पता है कि जो प्राकृतिक नियम होते हैं वह कैसे होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। आर्थिक नियम गुणात्मक होते हैं, उनमें परिणात्मक सत्यता का अभाव होता है, उनमें गणितीय शुद्धता नहीं होती। क्या कह रहे हैं, आर्थिक नियम कैसे होते हैं, गुणात्मक होते हैं, परिणात्मक नहीं होते, अर्थात जो दे उनमें गणितीय मैथमेटिक्स अशुद्धि रहती है। जैसे रसायन विज्ञान के नियम के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 1:2 अनुपात मिलाने पर पानी बनता है, अगर दोनों की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो पानी, और अगर दोनों की मात्रा आधी कर दी जाए तो पानी ही बनेगा। परंतु अर्थशास्त्र के नियमों में गणितीय शुद्धता नहीं होती। जैसे वस्तु का मूल्य दुगना करने पर प्राय मांग घटकर आधी नहीं रहती, और मूल्य घटकर आधा करने पर मांग दुगनी नहीं होती। अर्थात आपने मांग का नियम पढ़ा था, जब पढ़ा होगा कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी गिरती है, पर ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं मांग को दुगनी कर दूँ तो क्वांटिटी भी दुगनी घटेगी या उतनी ही दुगनी से बढ़ेगी। नहीं, मांग का नियम एक एप्लीकेबल लॉ होता है, इसीलिए ये इसमें लागू नहीं होता। आई बस समझ में? तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र के नियम तीन हैं, आर्थिक नियम काल्पनिक और मान्यता प्रधान होते हैं, अर्थशास्त्र के नियम सापेक्षिक होते हैं, और थर्ड, अर्थशास्त्र के नियमों में प्राकृतिक नियमों के स्थान में परिणात्मक शुद्धता नहीं होती। आई बस समझ में? अब हम सेकेंड टॉपिक लेंगे। सेकेंड टॉपिक है
प्राकृतिक नियम और आर्थिक नियम में अंतर, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपके ज़्यादातर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है आधार, पहला लिया हमने क्षेत्र के आधार पे। देखिए इन नियमों का संबंध प्राकृतिक परिस्थितियों से होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम। ऑब्वियसली बात है हम किसकी बात करें, प्राकृतिक नियमों की, तो ऑब्वियसली बात है प्राकृतिक नियम किससे रिलेटेड होंगे, प्रकृति से, अर्थात जो प्राकृतिक परिस्थितियों से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक नियम। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर वस्तु को ऊपर उछाला जाए तो वो वापस नीचे ही आएगा, तो ये नियम कौन सा है, तो ये नियम कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये किसके अंदर आता है, प्राकृतिक। इसके जस्ट ठीक विपरीत आर्थिक नियम इन नियमों का संबंध आर्थिक परिस्थितियों एवं समस्याओं से होता है, अर्थात ऐसी समस्याएं जो किससे रिलेटेड हो, आर्थिक, आर्थिक मतलब मनी से रिलेटेड जो भी परिस्थितियां या समस्याएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती है, आर्थिक नियमों के अंतर्गत आती है। आई बस समझ में, अर्थात ऐसी नियम जो आर्थिक परिस्थितियों अर्थात मनी से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी। सेकेंड देखेंगे प्रकृति, यह नियम प्राकृतिक नियम कैसे होते हैं, सदैव सत्य और सार्वभौमिक। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, नहीं, वो सदैव कैसा रहेगा, सत्य और सार्वभौमिक, अर्थात यूनिवर्सल रहेगा, कभी भी उसको चेंज नहीं किया जाता। अर्थात प्राकृतिक नियम कैसे होते हैं, सत्य और सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात उन्हें हम कभी भी नहीं बदल सकते। इसी की तुलना में आर्थिक नियम कैसे होते हैं, यह नियम समय स्थान और परिस्थितियों के साथ परिवर्तनशील होते हैं। अर्थात आर्थिक नियम कैसे, मैंने बताया था ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं, और आपको पता है ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा होता है, चेंजेबल, चंचल प्रवृत्ति, बताया था थोड़ी देर पहले, उसी के कारण वह क्या करते रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, अर्थात जैसी परिस्थिति होगी ह्यूमन बीइंग वैसा ही बिहेव करेगा। आई बस में थर्ड है निश्चितता, वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक नियम पूर्ण एवं निश्चित होते हैं, वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक नियम, क्योंकि देखो प्राकृतिक नियम की तुलना किससे की, वैज्ञानिक नियमों से, और ये कैसे होते हैं, पूरे होते हैं और निश्चित होते हैं, अर्थात इनमें कोई भी अनिश्चितता का बोध नहीं होता, अर्थात इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, जो बात बोल दी गई है वो अटल सत्य और हर परिस्थिति में लागू होगी। लेकिन इसके जस्ट विपरीत आर्थिक नियम कैसे होते हैं, अनिश्चित, अर्थात परिस्थिति के अनुसार वह बदलते रहते हैं, अर्थात आर्थिक नियम क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आई बस समझ में, अगला है सार्वभौमिकता, प्राकृतिक नियम सार्वभौमिक होते हैं और सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर सही उतरते हैं, अर्थात प्राकृतिक नियम कैसे होते हैं, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, चाहे वो अगर हम एक सिंगल व्यक्ति पर बात करें तो भी वो वही रूल एप्लीकेबल करेंगे, और यही अगर एक समूह के रूप में अगर बात की जाए तो भी रूल्स क्या होंगे, वो ही रहेंगे, अर्थात चेंज नहीं होंगे, चाहे परिस्थिति की इसी हो, चाहे व्यक्तिगत परिस्थिति हो, चाहे सामूहिक परिस्थिति हो, प्राकृतिक नियम सिमिलर रहेंगे। लेकिन जस्ट इसके विपरीत आर्थिक नियम केवल प्रवृत्तियों के घोतक हैं, इनकी सामूहिक तथा व्यक्तिगत स्तर पर सत्यता अनिश्चित होती है, अर्थात समूह में रहकर आर्थिक नियम बहुत अलग बातें करते हैं, लेकिन जब हम एक सिर्फ सिंगल पर्सन से बात करते हैं तो आर्थिक नियम बदल जाते हैं, क्योंकि इसमें मनी का ट्रांजेक्शन है। जब हम समूह में बात करते हैं तो मनी का ट्रांजेक्शन कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन व्यक्तिगत होने पर अनिश्चितता पर आ जाता है, अर्थात सामूहिक और व्यक्तिगत होने पर ये कैसे रहते हैं, बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। अगला काल्पनिकता, यह नियम सरल और यथार्थ होते हैं। प्राकृतिक नियम कैसे होते हैं, सरल और यथार्थ, अर्थात जो बात बोल दी गई वो बात एज इट इज रहेगी, उनमें कोई फेर बदल नहीं किया जा सकता, अर्थात जैसी है सरल और यथार्थ भाषा में रहेगी। लेकिन इसके जस्ट विपरीत आर्थिक नियम कैसे होते हैं, काल्पनिक एवं जटिल होते हैं, अर्थात कल्पना से परे होते हैं, अर्थात इनमें काल्पनिक बातों को ज़्यादा शामिल किया जाता है, अगर हम ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर हम ये कर लेंगे तो वो होता है, इसी कारण ये क्या हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं, उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। आई बात समझ में। अगला है प्रयोग, प्राकृतिक नियमों की सत्यता प्रयोगशाला में, ऑब्वियसली बात है प्राकृतिक नियमों की जांच किस में की जाती है, प्रयोगशाला में, इन्हें मापा जा सकता है कि जो बात बोली जा रही है वो सत्य है या नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पानी का,
कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 1:2 में बनाएंगे तो पानी ही बनेगा, तो हम उसे प्रयोगशाला में करके बना सकते हैं। लेकिन इसके जस्ट ठीक विपरीत आर्थिक नियम, मनुष्य मन को चंचलता के कारण आर्थिक नियमों की जांच प्रयोगशाला में संभव नहीं है। अर्थात मनुष्य का मन कैसा रहता है, चंचल रहता है, इसी कारण आर्थिक नियम क्या होते हैं, सदैव बदलते रहते हैं और प्रयोगशालाओं में इनकी गणना, क्योंकि मनुष्य को जान पाना कांट पॉसिबल। आई बस समझ में। अगला नियम है, अगली बात करते हैं हम आर्थिक नियमों की सीमाएं, अथवा आर्थिक नियम कम निश्चित या अपूर्ण क्यों होते हैं। देखिए अगर किसी में अच्छाइयों की बात करें तो कुछ ना कुछ बुराइयां भी होती हैं, वैसे ही आर्थिक नियमों की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और वो क्यों होती हैं। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आर्थिक नियम कम निश्चित अर्थात अपूर्ण क्यों होते हैं। अर्थात उसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे, उसकी लिमिटेशंस पूछ रहे हैं कि उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। आई बस समझ में। जैसे पहला देख लें, अर्थशास्त्र सजीव एवं चंचल मानव व्यवहार का अध्ययन कराता है, जबकि प्राकृतिक वैज्ञानिकों की अध्ययन सामग्री जड़ पदार्थ एवं निर्जीव प्राकृतिक साधन है। क्या कह रहा है अर्थशास्त्र, कहता है कि सजीव और चंचल मानव का व्यवहार कराता है और प्राकृतिक वैज्ञानिक जड़ प्रधान अर्थात निर्जीव। देखिए प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत निर्जीव प्राकृतिक तत्वों विवेक रहित अचेतन जड़ पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, अतः प्राकृतिक नियमों के प्रतिपादन के लिए साधनों का विश्लेषण प्रशिक्षण आदि इच्छानुसार संभव है। जबकि अर्थशास्त्र के नियम कैसे होते हैं, चेतन बुद्धिमान विवेकपूर्ण और भाव प्रधान आचरण पर निर्भर करते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र के जितने भी नियम हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बीइंग पे, और ह्यूमन बीइंग का कैसा बुद्धि है, कैसी चेतन है और कैसे विवेकपूर्ण से वो कार्य लेता है उस पर डिपेंड होता है। आई बस समय में। अतः परिवर्तनशील और अनेक कारणों से अनिश्चित भावनाओं पर आधारित आर्थिक नियम अनिश्चित एवं पूर्ण होना संभावित है। अर्थात ये क्या होते हैं, मानव पे निर्भर होने के कारण कैसे होते हैं, बदलते रहते हैं, अर्थात इनमें सत्यता होना संभव नहीं है। आई बस समझ में। सेकंड है, आर्थिक नियमों का प्रशिक्षण प्रयोगशाला में संभव नहीं होता। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझाई थी कि प्राकृतिक नियम की सत्यता तो हम किस में जान सकते हैं, प्रयोगशाला में, अर्थात अवलोकन करके जान सकते हैं क्या वे नियम हो सकते हैं या नहीं। लेकिन अर्थशास्त्र के नियमों की जाँच इस तरह संभव नहीं होती, क्योंकि अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला संपूर्ण विश्व के लोगों का मानवीय व्यवहार है। अर्थात अर्थशास्त्र का नियम किस पे चलता है, मानव के व्यवहार पे, और मानव के व्यवहार को जान पाना बहुत ही मुश्किल होता है, अर्थात उसे पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो चंचल स्वभाव का होता है और परिस्थिति के अनुसार मानव व्यवहार करता है। आई बस समझ में। अतः मैं मानव आचरण के प्रशिक्षण व प्रयोग की सुविधा के अभाव में आर्थिक नियम कम निश्चित और अपूर्ण होते हैं। अर्थात आर्थिक नियम कैसे होते हैं, कम निश्चित। आपके ज़रूरी नहीं है कि जो आपने नियम बनाए हैं वो पूर्णतः सभी परिस्थितियों में लागू हो, ऐसा जरूर नहीं है, क्योंकि वो मानव के विश्व के सभी लोगों के व्यवहार पर निर्भर करता है, अर्थात वो काम होगा या नहीं होगा। आई बस मुझे। सॉरी, थर्ड देखिए, अर्थशास्त्र के नियम अनेक तत्वों से प्रभावित होते हैं। वो तत्व कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक नियमों का प्रतिपादन प्रयोगशाला की चार दीवारी में होता है, जबकि सभी परिस्थितियां नियंत्रण एवं दी हुई होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु अर्थशास्त्र किस पे होता है, मानव के व्यवहार पर होता है, अर्थात बहुत से कैसे तत्व सम्मिलित होते हैं उसमें, गैर आर्थिक तत्व। गैर आर्थिक तत्वों के कारण होता है कि मानव का व्यवहार कैसा होता है, बदलता रहता है परिस्थिति के अनुसार, अर्थात मानव के व्यवहार पर उसकी भावनाओं सामाजिक व्यवस्थाओं धार्मिक प्रवृत्तियों आदि का अनिश्चित उत्पन्न कर देता है। अर्थात वह एक जैसी बात हर परिस्थिति में नहीं कर सकता, वह परिस्थिति के अनुसार उसे बदलता रहता है। आई बात समझ में। फोर्थ देखेंगे, आर्थिक नियमों को प्रभावित करने वाले तत्व स्वयं परिवर्तनशील हैं। क्या कह रहा है कि जो आर्थिक नियमों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। आर्थिक नियमों को प्रभावित करने वाले तत्व प्राय स्थिर एवं अपरिवर्तनशील। अतः प्राकृतिक नियम तो कैसे होते हैं, निश्चित, जबकि आर्थिक नियमों को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व जैसे समय स्थान परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं।
क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जैसी परिस्थिति होगी मानव वैसा ही व्यवहार करेगा, और मानव व्यवहार के कारण स्थान परिस्थिति आदि के बदलने से उसके व्यवहार में भी क्या आएगा, परिवर्तन। और आर्थिक नियम कैसे रहेंगे, परिवर्तनशील होते रहेंगे, अर्थात उनमें बदलाव आता रहेगा, वह निश्चित होना जरूरी नहीं है। आई बात समझे। फिफ्थ पॉइंट है, अनेक अज्ञात तत्व आर्थिक नियमों को प्रभावित करते हैं। अज्ञात तत्व कौन कौन से होते हैं, देखिए प्राकृतिक नियम प्रभावित करने वाले तत्व तो पूर्ण ज्ञात और निश्चित होते हैं, अर्थात ये होगा, लेकिन मानव व्यवहार से संबंधित नियमों को प्रभावित करने वाले तत्व कैसे होते हैं, अज्ञात होते हैं, जैसे परिस्थिति, समाज, आचरण, टैक्स, समाज क्या बदलाव करता है उनके कारण मानव क्या होते हैं, आर्थिक नियम बदलते रहते हैं, ये सब अज्ञात तत्व हैं जो आर्थिक नियमों को प्रभावित करते हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार हर समय बदलते रहते हैं। आई बात समझ में। सिक्स्थ है, अर्थशास्त्र में मुद्रा रूपी मापदंड अपूर्ण एवं अविश्वसनीय होते हैं। क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र में मुद्रा रूपी मापदंड कि जो हम मुद्रा का मापदंड करते हैं वो कैसा होता है, अपूर्ण अविश्वसनीय। देखिए अर्थशास्त्र में मानवीय प्रवृत्तियों का माप मुद्रा के द्वारा किया जाता है, यह अपूर्ण एवं विश्वसनीय मापदंड है, यह स्वयं परिवर्तनशील है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य स्वयं मुद्रा की मात्रा में कमी वृद्धि के साथ साथ घटता बढ़ता है, जबकि प्राकृतिक नियमों के मापदंड निश्चित एवं पूर्ण होते हैं। इसके कारण आर्थिक नियम प्राकृतिक नियमों में, देखिए आपको पता है कि मुद्रा का मापदंड कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करता है, और ह्यूमन बीइंग कौन सी चीज़ों को अपना रहा है या नहीं अपना रहा वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप सबने 12th स्टैंडर्ड में डेप्रिशिएशन पढ़ा है, कौन सा डेप्रिशिएशन वो एप्लीकेबल कर रहा है उसके कारण भी व्यापार की परिस्थितियों और उसमें फ़र्क आ जाता है, वो कौन सा मेथड यूज़ करके प्रॉफिट को निकाल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी फ़र्क पड़ता है, या वो कौन से परसेंटेज से प्रोडक्ट को बेच रहा है या क्या कर रहा है उसका भी उस पर। इसलिए मुद्रा मापदूपी दंड कैसे होते हैं, अपूर्ण और अविश्वसनीय होते हैं, क्योंकि ये किसके हाथ में होता है, मानव के व्यवहार पे, और मानव कैसा अपना रहा है उस पर डिपेंड करता है। आई बस मैं। सेवंथ है, अर्थशास्त्र एक विकासशील विज्ञान है। क्या बोल रहा है, देखिए इसमें एक डेफिनेशन दी है प्रोफेसर डार्विन ने, डार्विन के अनुसार आर्थिक घटनाओं को प्रभावित करने वाले वास्तविक तत्वों को अब तक पूर्ण खोज नहीं हो पाई है। अर्थात वो क्या कह रहे हैं, डार्विन ने कहा है कि आर्थिक घटनाओं को अर्थात इकोनॉमिक इवेंट्स को जो भी प्रभावित कर रहे हैं तत्व, उनको अभी तक हम खोज तो नहीं पाए, अतः केवल ज्ञात तत्वों पर आधारित हम भविष्यवाणी करते हैं, अर्थात जो चीज़ हमारे पास दी गई है उस पर हम करते हैं, अज्ञात तत्वों के प्रभाव से गलत एवं अनिश्चित होते हैं। अर्थशास्त्र के नियंत्रण विकास की प्रक्रिया होने से नए नए आंकड़ों, तथ्यों व अनुभवों पर नए नए सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। अर्थात ये क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, विकासशील विज्ञान है, अर्थात इसमें नए नए तत्व एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, अर्थात इसे हम क्या सकते हैं, एक विकासशील विज्ञान, अर्थात ये विज्ञान में शायद कन्वर्ट हो जाए, अर्थात डेवलपिंग में है, नॉट डेवलप्ड इज अ डेवलपिंग में। आई बात समझ में, कोई डाउट तो ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र के नियमों की मैंने आपको 7 सीमाएँ बताई हैं, वो सीमाएँ कौन कौन सी है, पहली है अर्थशास्त्र सजीव एवं चंचल मानव व्यवहार का अध्ययन कराता है, जबकि प्राकृतिक नियमों की अध्ययन सामग्री जड़ पदार्थ एवं निर्जीव प्राकृतिक साधन है, ठीक है। सेकंड है, आर्थिक नियमों का प्रशिक्षण प्रयोगशाला में संभव नहीं होता। थर्ड मैंने आपको बताया है, अर्थशास्त्र के नियम अनेक तत्वों से प्रभावित होते हैं। आई बात समझ में। फोर्थ है, आर्थिक नियमों को प्रभावित करने वाले तत्व स्वयं परिवर्तनशील है, अर्थात आर्थिक नियम कैसे होते हैं, स्वयं बदलते रहते हैं। फिफ्थ है, अनेक अज्ञात तथा आर्थिक नियमों को प्रभावित करते हैं, अर्थात जितने भी अज्ञात तत्व होते हैं वो आर्थिक नियमों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सिक्स्थ है, अर्थशास्त्र में मुद्रा रूपी मापदंड अपूर्ण एवं अविश्वसनीय होते हैं, अर्थात मुद्रा रूपी मापदंड कैसे होते हैं, अपूर्ण और अविश्वसनीय होते हैं। सेवन्थ मैंने बताया था, अर्थशास्त्र एक कैसा विकासशील विज्ञान है, अर्थात डेवलपिंग साइंस है। ओके, आई बस समझ में, कोई डाउट। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या अर्थशास्त्र एक निश्चित विज्ञान है, इज इकोनॉमिक्स एन एक्सटेंड साइंस। पढ़ें क्या कह रहा है, रॉबिन्स के शब्दों में
देखिए ये किसने दिया था, रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र एक निश्चित विज्ञान है। उन्होंने कहा था अर्थशास्त्र के नियम अन्य विज्ञानों को के नियमों की पूर्णतः समान है। यदि पूर्ण तथ्य दिए हुए हों तो उन पर आधारित परिणाम भी कैसे होते हैं सत्य। क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र में जो नियम दिए जाते हैं वो विज्ञानों के नियमों की तरह पूर्णतः समान होते हैं। यदि तथ्य कैसे हैं जो आप इवेंट्स या उन्हें बातें बता रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, लॉ ऑफ डिमांड का, मांग का नियम कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी गिरेगी। ये सब आप अच्छे से जानते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रखा आपने, है ना। तो वो यही कहता है कि अगर आपको सारे फैक्टर्स दे दिए जाएँ तो वो बात गलत हो ही नहीं सकती, अर्थात वो बात सच है। हाँ, इसीलिए इसमें कहते हैं अन्य बातें, याद है आपको कि अगर हम अन्य बातों को क्या रखें, यथावत रहें, तो आर्थिक नियम भी कैसे होते हैं, निश्चित ही होते हैं विज्ञान की तरह। आई बस समझ में, कोई डाउट। वे अपनी, देखो उन्होंने अपनी मन की अपने बात की पुष्टि के लिए कुछ बातें कही जिन पर हमें विचार कर सकते हैं। पहला लिखा अधिकांश आर्थिक नियम पूर्ण एवं निश्चित होते हैं। क्या बोल रहे हैं, अधिकांश आर्थिक नियम कैसे होते हैं, पूर्ण एवं निश्चित होते हैं। देखिए अर्थशास्त्र के जो नियम मानव प्रकृति के मौलिक तत्वों पर आधारित होते हैं तथा जो नियम प्रकृति पर अत्यधिक निर्भर करते हैं वे सदैव और तथा सर्वत्र सिद्ध होते हैं। अर्थात जो नियम प्रकृति पर आधारित होते हैं वो तो कैसे होते हैं, सदैव सत्य। जैसे मानव प्रकृति के मौलिक तत्वों पर आधारित उपयोगिता हास नियम, सम से पात उपयोगिता, ग्रेशम का नियम, प्रकृति पर आधारित उत्पत्ति नियम, अर्थशास्त्र की सार्वभौमिकता, ये नियम सब किस पर आधारित होते हैं, मानव की प्रकृति पे। आप लोगों ने सब पढ़ रखे हैं सम सीमांत उपयोगिता नाम, कि अगर जैसे से यूटिलिटी ज़्यादा मिलती जाएगी तो उसकी यूटिलिटी इस प्रोडक्ट के प्रति क्या हो जाएगी, कम। ये सब आपने पढ़ रखे हैं। तो इनमें किसके व्यवहार की बात की जाती है, मानव के व्यवहार की बात की जाती है, ठीक है। हाँ, जो नियम मानव प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं वे जरूर सापेक्षित होते हैं और इनकी सत्यता समय और स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। जैसे मांग का नियम, अर्थात सत्यता, अर्थात जो भी बात कही जा रही है वो समय और परिस्थिति के अनुसार कैसे होती है, बदलती रहती है। फिर भी उपभोग व उत्पादन के अधिकांश नियम कैसे होते हैं, सार्वभौमिक नियमों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात उन्हें यूनिवर्सल मान के ही हम क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। आई बात समझ में, कोई डाउट। नेक्स्ट सेकंड, अर्थशास्त्र के नियम सामान्य एवं औसत रूप से लागू होते हैं। क्या कह रहा है, जिस प्रकार प्राकृतिक नियमों में वास्तविक तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है उसी प्रकार अर्थशास्त्र के नियमों के आधार पर सामूहिक व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी प्राय सही हो उतरती है, चाहे व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति सामूहिक व्यवहार के विरुद्ध अपवाद के रूप में व्यवहार क्यों ना करे। ये कह रहा है कि देखिए जो आर्थिक नियम होते हैं वो औसत रूप से लागू किए जाते हैं, एक एवरेज रूप में लागू किए जाते हैं, अर्थात उन्हें सामान्य परिस्थितियों के अनुसार बदला नहीं जा सकता। तो ये कह रहा है चाहे व्यक्तिगत रूप में अध्ययन किया जाए या सामूहिक रूप में, वो औसत रूप में लेते हैं। अगर कुछ ऐसी अज्ञात परिस्थितियाँ आ जाएँ तो वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन वह क्या रहते हैं, सत्य परिस्थिति सौत्य रहते हैं। आई बस समझ रहे। थर्ड है वैज्ञानिक नियमों की सत्यता भी मान्यताओं व शर्तों पर आधारित होती है। क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक नियमों की सत्यता भी किस पर आधारित होते हैं। देखिए आप अभी तक प्राकृतिक नियम वैज्ञानिक नियमों की बात कर रहे हैं, पर वो भी किस पर आधारित होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें भी तो शर्तें मानी जाती हैं, तभी तो वो होता है। जैसे इसमें देखेंगे मान्यताएं केवल अर्थशास्त्र के नियमों में ही नहीं होती बल्कि प्राकृतिक नियमों की भी कुछ मान्यताएं पर आधारित होती है पर उल्लेख नहीं किया जाता। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम की सत्यता तभी सही है जब उछालने की प्रक्रिया पृथ्वी के उछालने की प्रक्रिया पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र में तथा उसके विरुद्ध कोई शक्ति क्रियाशील ना हो। अर्थात गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि अगर हम वहाँ से फेंकेंगे तो वो एप्लीकेबल होगा, तो उसमें भी कुछ ना कुछ नियम तो एप्लीकेबल है। जैसे कि कोई एग्जांपल देती हूँ साइंटिफिक है, यदि गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरकर उसे ऊपर उछाला जाए तो वो ऊपर गिरने की बजाय कहाँ आएगी, नीचे गिरने की बजाय वो ऊपर उठेगा क्योंकि उसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे भी सब है, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, मान्यताएं व शर्तें दी जा रही।
आप हाइड्रोजन गैस नहीं भर सकते, अगर हाइड्रोजन गैस भर देंगे तो वो नीचे की बजाय कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो वैसे ही वैज्ञानिक नियमों की सत्यता भी किस पर आधारित होती है, मान्यताओं पर आधारित होती है। आई बात समझ में? आगे देखिए, जैसे इसमें आपसे बहुत देर से मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात कर रही थी। देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक दो अनुपात में मिलाए जाने पर अगर तापमान व वायु दबाव बदल दिया जाए तो नियम के अनुसार पानी नहीं बनेगा। अतः मान्यताएं केवल आर्थिक नियम पर लागू नहीं होती, वरन प्राकृतिक नियमों में भी क्या होती है, मान्यताएं लागू होती, क्योंकि वैज्ञानिक नियम अपनी शर्तों के संबंध में सिद्ध होते हैं। उसी प्रकार अर्थशास्त्र के नियम शर्त तथा अन्य बातें समान रहने पर सत्य होते हैं, अर्थात परिस्थिति के अनुसार वह नहीं बदलते। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि प्राकृतिक नियम सदैव सही होंगे, अर्थात वैज्ञानिक नियम सही, उसमें भी कहीं ना कहीं परिस्थितियों को शामिल किया जाता है। आई बस समझ में? फोर्थ है, प्राकृतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के अतिरिक्त विज्ञानों में भी अनिश्चितता एवं अपूर्णता तत्व विद्यमान रहता है। क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के अतिरिक्त अनिश्चितता एवं अपूर्णता का तत्व, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान में मौसम संबंधी भविष्यवाणी गलत हो सकती है, उसी प्रकार जीव विज्ञान के नियम में केवल सामान्य संभावना व्यक्त करते हैं। हम इन्हीं वैज्ञानिकों को प्राकृतिक नियमों में सम्मिलित कर पूर्ण विज्ञान की श्रेणी में देखते हैं, तो किन तर्कों के आधार पर अर्थशास्त्र को पूर्ण विज्ञान मानने पर इनकार किया जा सकता है? अर्थात हम भौतिक विज्ञान को अलग रखते हैं, रसायन विज्ञान को और जीव विज्ञान आदि को अलग अलग रखते हैं, तो उनमें भी क्या रहती है, अनिश्चितता के अपूर्णता के तत्व विद्यमान रहते हैं। तो वैसे ही हमारे आर्थिक नियम में भी तो कुछ रह सकते हैं। आई बस समझ में? फिफ्थ है, अर्थशास्त्र के नियम अन्य सामाजिक नियमों की तुलना में अधिक निश्चित एवं सत्य होते हैं। वो क्या कह रहा है, आर्थिक क्रियाओं का माप मुद्रा के मापदंड द्वारा करना संभव होता है, जबकि अन्य सामाजिक नियमों के माप में सामान्य मापदंड का अभाव रहता है। इन सभी तथ्यों व तर्कों के आधार पर कहना उपयुक्त होगा कि अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक नियमों के समान तो सार्वभौमिक नहीं होते, फिर भी अर्थशास्त्र के नियम सार्वभौमिकता के अत्यधिक निकट होते हैं तथा सामाजिक नियमों की तुलना में अधिक निश्चित होते हैं। अर्थात समाज में रहकर क्या करे जाते हैं, आर्थिक नियमों की बात की जाती है, अर्थात अर्थशास्त्र के जो नियम होते हैं वो किसकी तुलना में निश्चित होते हैं, समाज की परिस्थितियों के अनुसार निश्चित पाए जाते हैं। आई बस समझ में? कोई डाउट? देखिए, आज के टॉपिक में हमने मिक्स लॉ में आर्थिक नियमों में क्या क्या पढ़ा वो मैं एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ। पहले हमने आर्थिक नियमों का अर्थ एवं परिणाम पढ़ा, फिर नियमों का वर्गीकरण, फिर अर्थशास्त्र के नियमों की विशेषताएँ, फिर प्राकृतिक आर्थिक नियमों में अंतर, फिर आर्थिक नियमों की सीमाएं, और फोर्थ पढ़ा हमने आर्थिक नियम क्या अर्थशास्त्र के एक निश्चित विज्ञान है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।